बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा के अपने घर में आत्महत्या कर ली है। सुशांत के आत्महत्या की खबर सुनकर सभी सख्ती में हैं। बता दें कि सुशांत एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने हमेशा ऐसी फिल्मों में काम किया जिससे सभी को जीने की प्रेरणा मिलती है। उनकी ऐसी ही एक फिल्म थी छिछोरे। बॉक्स ऑफिस पर छिछोरे को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। यह फिल्म पिछले साल यानी कि सितंबर 2019 में आई थी। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में थे। फिल्म की कहानी आज के युवाओं को डिप्रेशन से बाहर निकालने वाली थी। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत ऐसे तलाकशुदा पिता के किरदार में थे जिसका बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के तनाव से गुजर रहा होता है। उसके पिता अपने दौर में टॉपर रहे, माँ भी टॉपर रही हैं। उनका बेटा भी अपने माँ बाप की तरह ही टॉपर रहना चाहता है लेकिन रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं आता। फेल होने के बाद वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। फिल्म में अनिरुद्ध का किरदार निभा रहे सुशांत का बेटा जब आईसीयू में रहता है तब वो उन्हें जिंदगी का पाठ पढ़ाते हैं। बतौर पिता सुशांत अपने बेटे को बताते हैं कि कॉलेज लाइफ में वो खुद कैसे पीछे थे लेकिन जीने का हौसला उन्होंने नहीं छोड़ा और बाद में फिर कैसे टॉपर बन गए। फिल्म के एक सीन में सुशांत कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को ये बताया कि चुने जाने पर सेलिब्रेट कैसे करना है मगर ये नहीं बताया कि अगर वो एग्जाम पास नहीं कर पाया तो क्या करना है। अपने बेटे को सुशांत समझाते हैं कि इन परीक्षाओं के रिजल्ट से हम खुद को निराश नहीं कर सकते। वो अपने बेटे को बताते हैं कि किसी भी काम में हम भले फेल हो जाएं लेकिन इसके लिए हम जिंदगी को नहीं छोड़ सकते। फिल्म में ये बताने की कोशिश की जाती है कि कामयाब होने पर जिंदगी में क्या क्या किया जाता है। उसकी प्लानिंग तो सबके पास है लेकिन जब नाकामी हाथ आती है तो उससे कैसे डील करना है इसकी प्लानिंग भी होनी चाहिए। लेकिन किसे पता था कि फिल्म में जिंदगी की सीख देने वाले सुशांत एक दिन ऐसे अपनी जिंदगी को खो देंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद छिछोरे फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी भी हैरान हैं। मीडिया से बातचीत में उनका भी कहना है कि क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं मालूम कि सुशांत ने आखिर ऐसा क्यों किया, ये मेरे लिए ट्रेजेडी की तरह है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि हम आपको पल पल की खबरों से अपडेट कराते रहें।